सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लॉन्ग जंप करने से पहले आपको क्या-क्या करना है। अधिकांश बच्चे जो लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं या रनिंग करने के बाद लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हैं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं या कोई कॉम्पिटिशन देना जाते हैं, तो सबसे पहले आपके साथ समस्या क्या बनती है कि वहाँ रनिंग होती है। रनिंग के बाद आपके पैर भर जाते हैं या थाई भर जाती है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा समय मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उस 20 मिनट में आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेना है, रनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। तो ऐसे आपको वर्कआउट कर लेना है, 4-5 एक्सरसाइज कर लेना है, तो ताकि आपका बॉडी जो रनिंग की है, आपने आप दौड़े हैं, दौड़े दौड़ने से आप थक गए हैं, आपका बॉडी थक गया, आपके पैर जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से आप नहीं कूद पाए, या जो भी आपके जहां से कूदने गए वहां पे आपको डर लग रहा है, हेजिटेशन हो रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, तो जो सामने आपको एक्सरसाइज दिख रही है, आपको सेम यही एक्टिविटी करना है, रनवे पे दौड़ना है, आपको दौड़ लगाकर देखना है आसपास, ताकि आपके पैर खुल जाए, आपके अंदर जो डर है वो बेहिचक पूरी तरह से नष्ट हो जाए, भाग जाए, और एक मोटिवेशनल पावर के साथ आप दौड़ में, ये सॉरी लॉन्ग जंप में जा सकें, और जो आपने प्रैक्टिस की है उससे भी अच्छा कूद सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, दोस्तों, आपको जो वर्कआउट दिख रहा है, ऐसा कैसा वर्कआउट आपको करना है, डरना नहीं है वहां पे। और सबसे पहले जो प्राथमिकता बनती है, हम लोग जाते हैं लॉन्ग जंप में, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कैसे कूदना है, क्या क्या नियम अपनाना है, वहां पे ग्राउंड में पूरा आपको ग्राउंड बना के बता दिया जाएगा। जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां पे लगा रहता है वो आपको नियम बता देते हैं, वो नियम अगर आपने सुन लिए तो आपको कोई फाउल होने की ये सब समस्या आपकी खत्म हो जाती है। तो मेरा उद्देश्य बताने का यह है इस वीडियो में दोस्तों, कि जो आपको ये वर्कआउट दिख रहा है, इस वर्कआउट से आप जो एक्सरसाइज दिख रही है, एक्सरसाइज वहां करने की कोशिश करें, तो जो भी आपका जो अंदर का डर है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो बॉडी आपकी थक गई है दौड़ दौड़ के, वो बॉडी भी एकदम खुल जाएगी पूरा। आप शेर की भांति सीना टांग ठोक कर और जांग ठोक कर पूरे रनवे पे दौड़ेंगे, और दौड़कर बहुत बढ़िया कूदेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करी है वर्कआउट करके। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक भेजे, ताकि वो लोग भी इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन सेवा। देखते रहे कंटिन्यू मेरा वीडियो। क्या बोले?